मूलों की प्रकृति पहचानना। अब हम कुछ उदाहरणों से वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति की पहचान करना सीखेंगे। उदाहरण 20। एक्स की घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। हल। हमारे पास समीकरण है x की घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0। हम सबसे पहले इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण a x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ हमें a का मान प्राप्त होगा a बराबर 1, b बराबर ऋण 4, उसी तरह से c बराबर 4। अब हम जानते हैं कि विभेदक d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac में हम a, b और c का मान रखेंगे। तो d बराबर होगा b के स्थान पे हम लिखेंगे b का मान है ऋण 4, तो ऋण 4 की घात 2 कोष्टक के कोष्टक में लिखेंगे और घात लिखेंगे ऊपर ऋण 4। a का मान हमारे पास है 1, तो गुणा 1 और 4ac है तो गुणा c का मान है हमारे पास 4। तो d बराबर बराबर ऋण 4 गुणा ऋण 4 बराबर 16, ऋण 4 एकम 4 और 4 चौक 16। इस तरह से हमें विभेदक d का मान 0 प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह इस उदाहरण का हल है।